क्या नीरज चोपड़ा का मनु भाकर के साथ रिश्ता पक्का हो गया? वेल, इंडिया के तमाम अखबारों में तो यही खबर छप रही है, तो गुरु रिश्ता जो है पक्का हो गया। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रील के नीचे गाना भी लगा दिया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सोशल मीडिया तब दीवानगी की हदों को पार कर गया जब दो तस्वीरें दिखाई पड़ी। एक तस्वीर थी पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर की नीरज चोपड़ा के साथ, और दूसरी तस्वीर थी नीरज चोपड़ा की मनु भाकर जी की मम्मी के साथ। अब गुरु, क्योंकि दोनों हरियाणा से आते हैं, दोनों ने अब तक शादी नहीं की है और इन दोनों के पास दो दो मेडल है, तो लोगों ने दो मिनट भी नहीं लगाया दिमाग लगाने में, और ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो है वो चुगली चाची बन के इन दोनों को लेकर चटर पटर शुरू कर दिया। मतलब किसी ने लिखा कि ऑल यू नीड इज अ मेडल इन द ओलंपिक्स टू इम्प्रेस बोथ मदर एंड डॉटर, यानी कि मम्मी और बिटिया अगर दोनों को इम्प्रेस करना है तो आपको ओलंपिक के मेडल आना चाहिए। किसी ने कहा गुरु यार गलत थोड़ी ना है, बढ़िया तो है, दोनों को साथ में देखो काफी क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ है वो है ऐसा कि लोग बुद्धि लगा रहे हैं। एक वीडियो है जिसमें मनु भाकर और नीरज चोपड़ा बात कर रहे हैं, और दोनों 1970 में वो जो शर्मीले वाले कपल हुआ करते थे उनकी तरह बात कर रहे हैं, कि बात तो एक दूसरे से कर रहे हैं लेकिन नजर नहीं मिला रहे। नीरज चोपड़ा भी ऐसे नीचे देख रहे हैं, मनु भाकर भी ऐसे नीचे देख रही हैं, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक वीडियो आता है मनु भाकर की मम्मी का नीरज चोपड़ा के साथ, जिसमें नीरज चोपड़ा का वो हाथ उठाती है और अपने सर पर रखकर मानो कोई कसम खिलवाती है। लोगों ने उस वीडियो के नीचे लिख दिया क्योंकि मम्मी कह रहे थे बेटा खाओ कसम कि रिश्ता नहीं तोड़ोगे मरते दम तक तुम। सोशल मीडिया पूरा मौज काटने से भरा पड़ा, और इसीलिए हमने लगा कि लाइए, जब सारी दुनिया मौज काट रही है, अखबार देश के बड़े बड़े ये खबर छाप रहे हैं, देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है, तो लगे हाथ हम भी पूछ लें कि भैया वाकई भी नीरज चोपड़ा का मनु भाकर के साथ रिश्ता तय होने वाला है, मतलब पक्का हो गया है। जो भी है आप जबरदस्त है, और इसको लेकर रिएक्शन भी जबरदस्त है। किसी ने लिखा कि मनु भाकर और नीरज चोपड़ा एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो पहले पहले प्यार में पहली पहली बार बात होती है, एक दूसरे को देखकर सर झुकाकर मुस्कुराते हुए। और लोगों ने कहा कि यार इन्हें कॉन्फिडेंस देखिए एकदम डगमगाया हुआ है, ये वही है जो 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को ओलंपिक में पूरा करके आ गए और अब खुद के जब निजी जिंदगी के ख्वाब मुकम्मल होने तो सर झुकाए बैठे। मतलब बड़े सारे वीडियो आ रहे हैं नीरज चोपड़ा का, स्पेशली उनकी मम्मी के साथ जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा की सबसे ज़्यादा इंतहा बना हुआ है। उसी के बाद लोग लिख रहे हैं लव इज इन द एयर, किसी ने लिखा पहला पहला प्यार, कोई इनके कॉन्फिडेंस इनके दोनों की हरकतों पर जा रहा है, कोई कह रहा है कि देखो यार गौर से दोनों एक दूसरे की आंखों में देख तक नहीं पाए हैं, मतलब क्या गजब स्थिति है कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। नीरज चोपड़ा मनु भाकर का ये वीडियो फिलहाल बहुत बहुत चर्चा केंद्र में है। किसी ने लिखा कि वैसे तो मुझे शादी ब्याह रचवाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन दोनों को देखकर अब इंटरेस्ट जगने लगा है, और अब इन दोनों की तस्वीरों को साथ में देखने का नज़रिया जो है वो मेरी नज़रों के साथ बदल रहा है। हमने कहा ठीक है गुरु मौज काटो, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि भारत के जेवलिन थ्रो स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और शूटर मनु भाकर ज़बरदस्त सुर्खियों में है। एक सुर्खी थी कि दोनों ने ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया, मनु ने व्यक्तिगत तौर पर और मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो नीरज चोपड़ा इस साल बहुत बेस्ट पे नहीं थे लेकिन उनका एवरेज भी जो था वो सिल्वर मेडल पर जाकर रुका, और इसी वजह से दोनों सुर्खियों में है। लेकिन अब सोशल मीडिया वाला ये वीडियो भी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, और मनु भाकर की मम्मी सुमेधा भाकर जी के साथ वो वीडियो जिसमें नीरज चोपड़ा शायद किसी चीज़ का वादा करते नज़र आ रहे हैं जब उनके सर पर हाथ रख रहे हैं, और दूसरा मनु भाकर के साथ उनकी बातचीत, ये दोनों वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहे हैं, इन पर ज़बरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं और इसको देखकर लोग मौज भी काट रहे हैं। कईयों ने लिखा है कि मनु और नीरज की अब जल्द शादी होने वाली है, कई लोग लिखे कि भैया बढ़िया है, दोनों एक प्रदेश से आते हैं, दोनों ओलंपियन हैं, अच्छी कहानी है, और एक ओलंपियन दूसरे ओलंपियन के साथ नज़र आएगा तो ये पावर ओलंपिक कपल बन के नज़र आएंगे। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इन दोनों की लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हुई है रिश्ता पक्का होने की, दामाद ढूंढने की, वो कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लोग मौज काटते काटते लिख रहे हैं कि बिटिया ओलंपिक में मेडल लाने गई थी और माता जी जो है
उन्होंने लगे हाथ दामाद भी ढूंढ लिया, मिशन मम्मी जो था वो कामयाब हो गया। हमें लगा हम आपसे पूछे कि इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं, इस खबर को आप कैसे देखते हैं। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि दोनों हरियाणा से ही हैं, मनु भाकर और नीरज चोपड़ा। मनु झज्जर जिले से आती हैं हरियाणा के, और नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत जिले से आते हैं। इन दोनों को ही क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बनना था, हालांकि लास्ट मोमेंट बदला हुआ और बाद में पीआर श्रीजेश जो है वो ध्वजवाहक बन गए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सोच है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।